सातन आउट है जिस तरीके से फाइट्स उन्होंने निकाली है। एकेएम की पूरी पूरी कोशिश है कि आगे जो ग्रेनेड्स है ऑस्टिन के वो शूट अप कर रहे हैं, बट जोनाथन भी ट्राई करेंगे। अक्षय पीछे, ऑस्टिन यहां पर, बट गेम पूरा पूरा TS70 के पास रहेगा, बट सर्कल एक और यहां पर अपनी मूवमेंट देने वाला है। क्लच गॉड जोनाथन इकट्ठे, नियो थोड़ा सा पीछे रहेंगे, क्या आखिरी के दो किल भी जोनाथन के पास जाएंगे? इतना पक्का गया TS70 के पास रहेगा, लेकिन फ्लेयर कौन रहेगा? जोनाथन 16 किल्स ले चुके हैं, 17वां किल उनके सामने रहेगा अगर वो लेकर जाते हैं। 21 किल टीम के पास रहेंगे, 22वां किल नजर उनकी रहेगी। नियो डाउन हो चुके हैं, नियो फिनिश हो चुके अक्षय के द्वारा। अब ये फाइट रहती है जोनाथन वर्सेस अक्षय, बिकॉज क्लच गॉड गेल थोड़ी सी कम अपनी हेल्थ लगाना चाहेंगे, बट जोनाथन आगे मूव करे, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग राइट नाउ। क्लच गॉड 75% एसपी आ चुका, बट लुक एट जोनाथन स्टिल पिकिंग आउट देयर, स्टिल अपना टॉप टीम भी ले रहे हैं। ग्रेनेड यहां पर अक्षय लेकर जाए, मोलोटोव रहेगा और वो एकदम लेफ्ट साइड पर रहेगा। मोटोव आते हुए जोनाथन ने देख लिया था, 27 बुलेट्स इनके पास एकेएम में रहने वाले, 27 बुलेट्स क्या काफी रहेंगे? He's dancing out there. Look at that. He's doing that Joker emote यहाँ पर, because he knows it's his game. And यहाँ पर 22वां kill उनके सामने बैठा हुआ, just कोई भी गलती नहीं करनी है। Spot किया, shot किया सामने, but Jonathan is down right now. Clutch God के पास game आ जाता है, क्या अक्षय यहाँ से game निकाल जाए? क्या ये dance emote एक vein में जाएगा इस पूरी fight में? अक्षय यहाँ पर अपने 75% HP कर चुके, reload करके आगे move कर सकते हैं। He knows it's a 1v1. आगे move कर रहे हैं 1v1 के सामने, Clutch God को spot किया, काफी low and UAM actually gets that win. वहां पे वो जो एक इमोट था, जोनाथन वॉज 100% श्योर, बट ये जो अक्षय का एक क्लच आता है, एट द एंड यू मुंबई विनिंग।